नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश अपनी शिवानी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पीछे मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं रिकॉर्ड किए हुए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। किसी काम में बिजी रहने की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। तो आज ये मेरा लेक्चर नंबर 24 है। बस मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मोटिवेशन बना रहे। आज मैं आपको कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले बताऊँगा जिसकी वजह से आप कुछ ऐसी चीज़ें निकाल सकते हैं जो शायद आपको किसी किताब में ना मिले या कहीं आपको इसका वर्णन ना मिले। तो मैं आपको ये कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो सूत्र मैंने सीखे हैं और मैं आपके पास पहुँचाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक आदमी को हमेशा जब भी कोई कुंडली दिखाता है तो उसको एक चीज़ की चिंता अवश्य होती है कि मेरी कुंडली में वो दिन कब है या कब वो साल या कब वो महीना आएगा जब मुझको मैक्सिमम फल मिलेगा, सब सारे योगों का फल मुझको मिलेगा। तो उसका निकालने का एक तरीका है कि कैसे निकालते हैं कि क्रीम पीरियड ऑफ द लाइफ आदमी का क्या है और किस उम्र में, किस दशा में आके, किस अंतरदशा में आके उसको उसके मैक्सिमम फल मिलेंगे। तो उसी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको नोट कराना चाहता हूँ। एक नोट करने की चीज़ इसमें यह है कि हमारे ये सूर्य, ये ग्रह हैं, चंद्र, मंगल, मंगल का मैं आपको एम मार्स लिख देता हूँ, बुध, मरकरी, बृहस्पति, जुपिटर, वीनस, सैटर्न एंड राहु केतु, आर के, ये हमारे ग्रह हैं। इन सब ग्रहों को कुछ नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मूलांश। इनका नाम है मूलांश। ये नंबर इन ग्रहों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, काइंडली नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नंबर आपको हर जगह इस्तेमाल करने हैं। अब ये मूलांश में अगर हम देखें तो सूर्य को 7 नंबर दिए गए हैं, चंद्रमा को 3 नंबर दिए गए हैं, मंगल को 10 नंबर दिए गए हैं, बुध को 6 नंबर दिए गए हैं, जुपिटर को 9 नंबर दिए गए हैं, वीनस को 5 नंबर दिए गए हैं, सैटर्न को 1 नंबर दिया गया है, राहु केतु को 0 नंबर दिए गए हैं। तो ये हमारे नंबर्स अलॉटेड हैं, स्टैंडर्ड नंबर हैं, ये सब अलॉटेड हैं जिनको हम ग्रहों के मूलांश बोलते हैं। तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सपोज़ कीजिए कि हम कोई कुंडली लेते हैं, ये हमने कुंडली ली और हम देखना चाहते हैं कि इस नेटिव के कौन सा पीरियड ऐसा होगा जब उस नेटिव को मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा अपने योगों का और अपने लक का। इसको जब मैक्सिमम फ़ायदा मिलने वाला है वो कौन सा पीरियड होगा, तो ये आपको मैं बताता हूँ। ये कुंडली एक है जो कि हमने कन्या लग्न की ली है, ये कन्या लग्न की कुंडली है और इसमें हम ग्रह बताते हैं, ग्रह कहाँ बैठा है। जैसे यहाँ पर ये बुध बैठा है और मंगल बैठा है, यहाँ पर सूर्य बैठा है, यहाँ पर शुक्र बैठा है, इधर शनि है, इधर राहु है, इधर केतु है और इधर बृहस्पति है। ये इस तरीके से ग्रह बैठे हैं, किसी जातक की किसी नेटिव की कुंडली है जिसमें ग्रह इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब हमें ये निकालना है कि इस नेटिव की लाइफ में वो पीरियड कौन सा है जिस पीरियड में उसको मैक्सिमम फल मिलेंगे अपने, और जो भी उसके योग हैं कुंडली में जो बनने वाले हैं उनका मैक्सिमम फल इस पीरियड के अंदर उनको मिलेगा, एंड दैट विल बी द क्रीम पीरियड ऑफ हिज लाइफ। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आपका लग्न देख लीजिए, लग्न की राशि देखिए। लग्न की राशि कितनी है, 6, इसको नोट कर लीजिए। फिर सेकंड भाव की राशि देखिए, सेकंड भाव की राशि कितनी है, 7, ये नोट कर लीजिए। फिर फोर्थ भाव की राशि देखिए, फोर्थ भाव की राशि काउंट करिए आप कितनी है, 9। फिर आप फोर्थ के बाद नाइन्थ की देखिए, नाइन्थ में कितनी राशि है, 2। फिर आप 11th हाउस की देखिए, 11th हाउस में राशि है 4। तो इस तरीके से ये 5 आपको चीज़ें देखनी है कि लग्न की राशि क्या है, सेकंड भाव में कौन सी राशि है, फोर्थ भाव में कौन सी राशि है, नाइन्थ भाव में कौन सी राशि है और 11th भाव में कौन सी राशि है। ये लेने के बाद इसका आप टोटल कर लीजिए। ये अगर हम टोटल करते हैं तो 4, 2, 6, 9, 15, 22, 6 टोटल मिला के ये 28 आ जाता है। तो ये टोटल आपका एक हो गया ए, जिसको हम ए बोल रहे हैं। अब इन्हीं भावों में, यानी कि लग्न में, सेकंड में, फोर्थ में, नाइन्थ में और 11th में कौन से ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों के मूलांश का टोटल भी करना है। अब जैसे देखिए, फर्स्ट भाव में लग्न के अंदर बुध और मंगल बैठे हैं, बुध के नंबर दिए हुए हैं 6, मंगल के नंबर दिए हुए हैं हमने कितने, 10। तो 16 नंबर हमारा यहाँ पर आ गया फर्स्ट भाव का, ये 16 नंबर हमारे आ जाते हैं।
अब इसके बाद जो हमारा सेकंड भाव है उसमें हमारा है सूर्य। सूर्य का नंबर कितना है? 7। तो 16 + 7 सूर्य का नंबर हो गया। फिर कौन सा भाव है? 4th। 4th में हमारा कौन सा ग्रह है? शनि। शनि को हमने मूलांक दिया है 1, तो ये 1 हो गया। फिर हमारा आ गया 9th हाउस। 9th हाउस में कौन सा ग्रह है? कोई ग्रह नहीं है, तो 0 नंबर हो गया। 11th हाउस, 11th हाउस में केतु है, तो 0 नंबर हो गया। तो इस तरीके से 23 और 1 24 नंबर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बी। तो ग्रहों के मूलांश के हिसाब से और ग्रहों की लग्न की राशि है उनके हिसाब से हम नंबर निकाल लेते हैं। फिर ये ए प्लस बी करते हैं हम लोग, इसको हम जब जोड़ेंगे ए प्लस बी, तो ये हमारा 28 + 24 ये हो जाएगा 52। तो जितना ये टोटल आए उसको 12 से डिवाइड कीजिए, तो बैलेंस कितना बचा? 12 × 48, तो बैलेंस बचा आपका कितना? 4। ये बैलेंस आपका बचा 4। तो जो बैलेंस बचता है उतनी राशि आप आगे चलिए सेकंड भाव से। 4 बैलेंस है तो 1, 2, 3, 4 यानी यहां आ गए आप 4। इसका मतलब आप क्या हुआ कि आप को मकर राशि, मकर राशि किसकी राशि है? शनि की। जब भी शनि की दशा आएगी आपको मैक्सिमम फल मिलेंगे अपनी कुंडली में, और बाय चांस शनि की दशा पहले ही निकल चुकी है, आप कहते हैं शनि दशा तो आने वाली नहीं है, आएगी तो बहुत लेट आएगी, लेकिन उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, शनि की अंतरदशा तो आएगी। तो जब भी किसी योग कारक ग्रह की दशा हो और उसमें शनि की अंतरदशा आ जाए तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे पूरी लाइफ के इस कुंडली के अनुसार। ये बिल्कुल फॉर्मूला एकदम ऑथेंटिकेटेड फॉर्मूला है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आप समझ गए होंगे कि राशियों के नंबर लगन के सेकंड भाव के 4th के 9th के 11th के नंबर जोड़िए, उनके ग्रह जो बैठे हैं उनके मूलांश को जोड़िए, उनको 12 से डिवाइड कीजिए, जो बैलेंस आए 4 उसको सेकंड हाउस से आगे उतना चलिए 1, 2, 3, 4। तो जो राशि आए उस राशि का जो स्वामी है, लॉर्ड है, उसकी दशा में आपको मैक्सिमम फल मिलेंगे। अगर उसकी दशा आके निकल चुकी है या बहुत देर बाद आने वाली है, तो जब भी किसी योग कारक ग्रह की दशा में उसकी अंतरदशा आएगी तब आपको मैक्सिमम फल मिलेंगे। आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस तरह के फॉर्मूला मैं आपको आगे ही बताता रहूँगा, लेकिन काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपसे वीडियो को शेयर करता रहूँ। जय श्री कृष्ण।